तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवव्रत अग्रवाल। आज फिर एक लाइव सेक्शन अपने स्टूडेंट के साथ में। यहां आपने टॉपिक तो पढ़ लिया होगा, पहले एक बार हाय करते थे सभी स्टूडेंट से। मेरे सारे सब्सक्राइबर को यहां पर एक बार हेलो, क्योंकि यहां पे काफी सब्सक्राइबर है हमारे। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है, आज हमारे साथ एक स्टूडेंट इन्वॉल्व है। आपका नाम बताओ। जी, मेरा नाम मोहम्मद हारून रशीद है और मैं बिहार से हूँ। हाँ मोहम्मद, आज ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा कि क्यों एक आईएमईआई नहीं, क्यों एक कॉलकॉम का फोन फ्लैश करने के टाइम पे या तो उसका आईएमईआई चला जाता है, या तो इनवैलिड हो जाता है, या तो वो नल हो जाता है, या बेसमेंट हो जाता है, तो क्यों एक ऐसी वजह आती है। हम ये टॉपिक आपने देखा होगा कि यूट्यूब में कहीं नहीं शायद आपको मिले, और इस वीडियो को इसलिए पूरा देखिएगा। दूसरी चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक और हम टॉपिक की बात करें कि क्यों यूएमडी बेस्ट है, क्यों कौन सा टूल क्या अच्छा है। बहुत सारी चीज आपको डिटेल में नहीं समझाई जाएंगी, ये आपको सिर्फ बताया जा रहा है जो कि हमारे स्टूडेंट ने आज ही क्लास में सीखा हुआ है। तुमने आज ही क्लास लिया? मैं कॉलकॉम का आज ही क्लास किया हूँ। अभी तुमको आ गया समझ में यहाँ पर? डिटेल में मुझे समझ में आ गया है कि क्यों नल होता है, क्यों नल होता है। चलिए तो हम उसको शुरू करेंगे। तो यहाँ पर चलिए आगे बोलिए। तो भाइयों, मैं कॉलकॉम क्यू फिल ऑन करता हूँ। हमारे पास ये कॉलकॉम का एक फोन है जिसको मैं फ्लश करूंगा, और ये भी बताना चाहूंगा कि ये नल क्यों होता है और यूएमटी हमारे लिए क्यों बेस्ट है। तो इसको प्लस तो पहला एक बार वो भी बता दो जो तुम इंट्रो देने वाले थे कि जो टेक्नीशियन रूम पे आपने दुकानों में क्या करते हैं, और ये भी बता दो कि क्यों एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए, ये भी बता दो क्यों तुमने एज अ टेक्नीशियन, तुम भी एक टेक्नीशियन हो, तुम भी कहीं काम कर रहे थे, तो क्यों क्यों एक इंस्टीट्यूट को आए, क्यों नहीं तुमने यूट्यूब से ही सीख कर अपना काम कर लिया, थोड़ा अपने बारे में बता दो। पहले मैं भी ये चीज करता था, प्लस करता था यूट्यूब के जरिए, और मुझे भी ये सब की नॉलेज नहीं थी कि नल क्यों होता है। मुझसे भी कई फोन नल हुई है EMI जिसको मैं इग्नोर करता था, मुझे पता भी नहीं था क्यों होता है, और मुझे ये पता चला इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से। और मेरे लिए तो एशिया टेलीकॉम बेस्ट है, क्योंकि यहाँ जो मुझे ज्ञान मिला है शायद ही कहीं मिल सकता था। और हमारे बहुत टेक्नीशियन भाई जो आए हुए हैं, कुछ इंस्टीट्यूट से भी घूम के आए हैं, और उन्हें पता है, हम तो खैर पहली बार इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं, और कुछ भाई तो बहुत जगह घूम के आए हैं, उन्हें पता है कि यहाँ का ज्ञान क्या है। तो यहाँ हमारे लिए तो बहुत बेस्ट रहा है, एशिया टेलीकॉम तो बेस्ट ही है। आइए तब हम आपको बताते हैं इसके बारे में क्यों नल होता है, क्यों हमें क्या जानकारी मिली है। तो भाई सबसे पहले हम अपना फोन फ्लैशिंग के लिए इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे ये टूल समझा दो, फ्लैशिंग आप UMT से लगा देना, यहाँ पर बस बता दो किस तरह से काम करता है। सर सबसे पहले इसको हटाइए, सबसे पहले क्यू फिल हम ऑन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे क्यू फिल लिख रहे हैं यहाँ पर, और हमने क्यू फिल को किस तरह से इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आप सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट आपको मैं नहीं बोलता, आप आप कहीं भी जाइए, एक अच्छी जगह पर। देखिए यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ, एज अ टेक्नीशियन अगर आप सही काम करना चाहते हैं तो आपको किसी ना किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना पड़ेगा। हो सकता है उनका ज्ञान आपके काम के लिए आसान हो, क्योंकि आप कस्टमर पे मोबाइल पे काम कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल को डेड कर सकते हैं, और यहाँ पे भी अपने मोबाइल को आप डेड कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हमने यहाँ पे क्यू फिल ओपन करके रखा, इसके आगे क्या करना है सर? उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा अपने टेक्नीशियन भाई से कि आप अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते, हम ये नहीं कहेंगे एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कीजिए, लेकिन इतना कहेंगे कि आप बिना इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए अगर फ्लस करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 300 रुपया मिलेगा। अगर कस्टमर का 5,000 या 10,000 का मोबाइल डेड हो जाए तो आपको कितना भरना पड़ेगा? इसलिए इंस्टीट्यूट आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए अब यहाँ पर कहाँ पे टिक करें? तो सबसे पहले हम प्लस के लिए इस पे टिक रहता है, इसमें टिक हटा के यहाँ टिक करना है, फिर उसके बाद ब्राउज करना, ब्राउज के बाद में फिर अपने फ्लैश फाइल में जाना है, फॉर्मिया में अपना फाइल चुनना है। उसके बाद यहीं पे टेक्नीशियन अपना भूल करते हैं इसी फाइल में। अब इसी फाइल में आपका नल होता है, अब ये तो नहीं बताऊंगा क्यों नल होता है कौन से फाइल से, इसके लिए तो आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ही होगा। हाँ तो मतलब ये हम आपको बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर दोस्तों पर
क्योंकि इसमें बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें नहीं बताए, मतलब हम बता भी नहीं सकते। नल भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है, इन वालों में नल भी हो जाएगा और फोन डेड भी हो सकता है, एक कारण नहीं है जो हम आपको बता सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये वाली फाइल, अगर ये वाली फाइल आप चलाएंगे तो आपका नल हो जाएगा, नल हो जाएगा, और ये वाली फाइल देंगे तो आपका फोन डेड हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो अगर मान लीजिए टेक्नीशियन के पास में क्या होता है, ये फाइल में आपको ये वाली फाइल मिलती है बस जी, तो फिर आपको क्या करना है बताओ, यही बताओ, ये समझा रहे हो आप, ये वाली फाइल मिलती है तो इसके लिए आपको यूएमटी का इस्तेमाल करना हो। तब यूएमटी हमने देखिए ओपन करके रखा हुआ है, बंद करके फिर से ओपन करके दिखा देते हैं यहाँ पे यूएमटी, ये हमारा यूएमटी ओपन कर देते हैं यहाँ पर। सिर्फ अगर वही एक फाइल आए तो यूएमटी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यूएमटी बेस्ट है, दिखाते हैं क्यों बेस्ट है। तो अब यहाँ पर हमारा ये ओपन हो गया, बताओ तुमने इसको प्रैक्टिस आज ही किया, प्रैक्टिकल भी आज किया है, मैंने आज ही प्रैक्टिस किया है, बताइए कहाँ पे जाना है इसमें, क्या मुझे करीब 10 से या 20 मिनट हुआ होगा इसके बारे में जाना है। तो सबसे पहले यहाँ लेंगे बोलिए, तो ऑटो प्लस में आके ऑटो में आई है, ठीक है, तो यहाँ पे हम तो सबसे पहले ये ठीक है। अब देखिए वही देखो मैं यहाँ पे आपको मॉडल भी दिखा देता हूँ, सेम यहाँ पर हमारा वो मॉडल, यहाँ पे कहाँ जाना है, फर्मवेयर में, फर्मवेयर में जाना है। अब इसके बाद वो देखो मान के चल रहे कि हमारे पास ये फाइल है ही नहीं, सिर्फ ये फाइल है, ये फाइल है, तो हम इसी को सेलेक्ट, और जबकि यही फाइल मेरी क्या कर रही है, नल कर सकती है, नल कर उससे अगर क्यू फील से अगर करते हैं तो हमारा नल हो सकता है, यहाँ से नल नहीं हो, बिल्कुल। अब देखो ये फाइल ले ली, क्या इसमें पैच लेने की जरूरत है क्या, जी नहीं, ऑटोमेटिक पैच ले लेता जी, ऑटोमेटिक पैच ले। अच्छा ये भी मैंने आपको बताया ना कि ऑटो डिवाइस मैनेजर ऑन कर लेते, सबसे पहले यहाँ पर ये कौन है हमारा डिवाइस मैनेजर, ये ऑन है, यहाँ पर कहाँ देखते हैं अगर हमारा कौन सा पोर्ट बन के आता है ये भी बताओ, हमारा पोर्ट क्वालकॉम ना QD लोडर 9008, वेरी गुड, QD लोडर 9008 हमारा पोर्ट बनकर आएगा, जो हमारा फ्लैश मोड होता है, जो हमारा फ्लैश मोड होता है। इसके अलावा कौन से मोड होते हैं, इसके अलावा पासपोर्ट, ADB डायग्नोस्टिक, वेरी गुड, कॉलकम में, वेरी गुड, ये सब कॉलकम में आता है जी। और सबसे पहले एक बात और ध्यान देने के लिए कि अगर हम ड्राइवर लोड किए होंगे तो ही यहाँ पे हमारा पोर्ट बनेगा, अगर ड्राइवर लोड नहीं किया तो हमारा पोर्ट नहीं बनेगा, पोर्ट बनेगा बट वो एक अदर नेम से बनेगा, अदर नेम से बनेगा जिसके लिए अपडेट करना पड़ता है, वो आपको आते हैं ड्राइवर का पोर्ट अपडेट करना, हमको आता है, यहाँ से हम बहुत खुशी। तो सबसे पहले फोन को क्या कर लेना है आपको, सबसे पहले मोबाइल ऑफ कर, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ और वॉल्यूम डाउन एक साथ दबाएंगे, और उसके बाद डेटा केबल लगाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि पोर्ट बनता है। तो ये हमारा पोर्ट बन गया प्लस के लिए ये रेडी है, ये फोन हम यहाँ रख देते हैं, उसके बाद हम क्योंकि UMT में चलते हैं, प्लस स्टार्ट करते हैं, और ये देखिए हमारा प्लसिंग स्टार्ट हो गया, दोस्तों मैं आपको माफी चाहूंगा अगर आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोग को तो क्लीन दिखाई दे रहा है ना, है ना, बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रहा है ना, नहीं तो लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा तो और कैसे दिखाई देगा, तो यहाँ पर प्रोजेक्टर आपको बहुत ज्यादा ब्राइटनेस दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारी यहाँ पे क्लास, ये हमारे स्टूडेंट कानपुर से आए हुए, लखनऊ से आए हुए, क्या नाम है तुम्हारा, मेरा नाम आलोक सिंह है, मैं लखनऊ से आया हूँ।
कैसा रहा सर? बहुत अच्छी जर्नी रही यहाँ पे, मुझे कोई डाउट भी नहीं है। और आई थिंक जो यहाँ से नहीं सीख सकता एशिया टेलीकॉम से, जो नहीं सीखता वो कहीं से नहीं सीखता। मैं किसी इंस्टीट्यूट को गलत नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एशिया टेलीकॉम इज द वेरी मच। तो दोस्तों ये मैं इनसे, मैं तुमको पैसे तो नहीं दिए ना? नो नो सर, लाइव है भाई, ध्यान रखना लाइव है। अभी लाइव वीडियो में आप जो भी दिल है वो कह सकते हैं, कोई बहुत कम होते हैं जो लाइव दिखा सकते हैं अपने आप को यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए अभी हमारा इमेज सिस्टम फाइल चल रहा है, हम इसको फ्लैश कर रहे हैं यहाँ पर। सर जी मैं यूपी से हूँ, यूपी रैप रिलीज से, और मैं इसके पहले सॉफ्टवेयर कर रहा करते थे, मगर हमको सॉफ्टवेयर में नहीं नॉलेज था। यहाँ आने के बाद हमको सॉफ्टवेयर अच्छी तरीके से नॉलेज हुआ है। अब किसी भी मोबाइल को फ्लैश करते फ्लैश कर सकते हैं और डेट नहीं हो सकता हमसे। हाँ बस उसमें, और हमको सीखना बस और मेहनत करते रहना है ना। हाँ वेरी गुड, अच्छा लग रहे हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम अपनी सॉफ्टवेयर क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग कराते हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट अगर कुछ उनको कन्फ्यूजन भी हो तो रात में जाके वो वीडियो को देख सकें। मतलब इनको ऑनलाइन डाटा भी मिल जाता है, लाइव डाटा भी मिल जाता है, और ज़िंदगी भर का बैकअप रहता है भैया। और एक नई चीज़ अपडेट की गई है इसे टेलीकॉम में, अगर आपको फ्लैश फाइल चाहिए तो आप हमारे यहाँ कॉल कर सकते हैं, एक आपको नया नंबर दिया जाएगा, उस पर आप फ्लैश फाइल 4 TB की फ्लैश फाइल हम सिर्फ 2500 रुपये में आपको देंगे, और 2500 में आपको आपको अपनी फ्लैश, अपनी हार्ड डिस्क HDD आपको हमको सेंड करनी पड़ेगी बाया कुरियर, हम उसको अपडेट करके आपको रिटर्न कर देंगे। और ये आपको हम लेटेस्ट 2070 और 80 का फाइल देंगे, उसमें और भी कई फाइल होगा, सैमसंग का, बाइंडी फाइल, वीवो ओप्पो का फाइल, बाकी कॉलकॉम का नॉर्मल फाइल, आपके मीडियाटेक के CPU के फाइल, जो जो आपके सारे फाइलें होते हैं वो हम आपको सेंड करेंगे। तो आपको हमसे फ्लैश फाइल का बैकअप भी मिल जाएगा 2500 रुपये में मात्र। मोहन सिंघा ने बोला ओके भाई 27 दिसंबर को मिलते हैं। अच्छा IC जंपर कहाँ बता दें, IC जंपर आप कहाँ से हो भाई जय यादव, ये तो बातचीत चालू हो गई यार नीचे। आप कहाँ से हो, मैं भी आऊँगा भाई दिसंबर के बैच में, जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहा है। नाइस सर जी, यू आर टू गुड, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। रवि गिल सुपर, थैंक यू, थैंक यू। झका क्या लेगा ये, जकातन साहू, अच्छा अच्छा ये तो अपने ही आदमी है, ये तो उड़ीसा का अपने ही आदमी है भाई, मैं क्लास में ही हूँ। अरे मैं क्लास में ही है ये, अच्छा तो बहुत दिनों बाद लाइव आए हैं, सुपर इंस्टीट्यूट, थैंक यू यासीन, ये तो हमारे स्टूडेंट भी नहीं है फिर भी कह रहे हैं। चंदन थैंक यू, आदित्य थैंक यू, फिर सुभाष कुमार, आई मीन एशिया टेलीकॉम, अच्छा ये भी सुभाष है, अच्छा ये यहीं पर है, अच्छा तू है। हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा सुबह यहाँ से आके? सुपर सर, अच्छा लगा, सुपर सीखने आया ना यहाँ पर कल? अच्छा यहाँ से कहाँ से आए हो आप? सर दिल्ली। दिल्ली से आए हो, अच्छा दिल्ली में तो काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है भाई, दिल्ली में जोधपुर में क्यों चुना तुमने ऐसे मेरे को? कैसे तुम्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर कि तुम्हें आना चाहिए? देखिए जो आप ट्रेनिंग्स देते हैं और लाइव देते हैं उसमें भी काफी चीजें सीखी मैंने, और मुझे लगा कि खुद यहाँ के सीखना चाहिए। आउट ऑफ में जितना भी मैं गया एक जगह फर्स्ट टाइम दिल्ली में ही सीखा, लेकिन मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। अच्छा तुमने ऑलरेडी सीख कर आया मतलब कैसे? लेकिन कोई प्रॉफिट नहीं है क्योंकि आपको ड्राइवर्स की नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। सही है, हर चीज सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हर चीज आपको यहाँ पे परफेक्टली सिखाई जाएगी। आप एक बार ट्राई करें, डेमो क्लास ही लेके देखें आप, उसी में आपको। तुमसे पैसे तो नहीं लिए थे ना मैंने? कोई पैसा नहीं सर, कोई पैसा नहीं। आपने दिल से बोल रहे हो ना, दिल्ली का आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, एक बात तो है दिल से बोलता है, क्योंकि अगर उसको लगता है कोई दिमाग में है तो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं सरदार, हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं काफी। यहाँ पर सैम्पी, यहाँ पर इनसे तो आप मिल चुके होंगे, इनका एक वीडियो मैं आपको डालने वाला हूँ आज,
आईसी रिबॉल इन्होंने किया हुआ है सैमसंग J2 का, तो ये वीडियो आप देखिएगा, शाम को इनको अपलोड हो जाएगा, रात में मे बी 1-1.5 बजे। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब करना है तो नीचे लाल बटन है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। किन किन का यूट्यूब चैनल चल रहा है यहाँ पर, प्रमोट कर लो भाई यूट्यूब चैनल। चलो आप लोग का चालू करवाएंगे फिर, कैसे यूट्यूब चैनल ओपन करना है, कैसे यहाँ पर, कोई नहीं है स्लीप मोड पर चला गया था, कैसे यहाँ पर डेस्ट आपको यूट्यूब चैनल में ओपन करना बताऊँगा पूरी तरीके से, कैसे उसको एडसेंस से लिंक कराना है, क्या क्या उसके कॉपीराइट में आपको बताऊंगा यूट्यूब में। सर मैं उड़िया में बोलूँ क्या? हाँ उड़िया में बोलो भाई। मैंने जिन मैंने रिपेयरिंग करी जो भल भाव है तार मैंने सीखी करी दुकान मन के खुले खुली करी बसी जाओ से मैंने कहमी से मानक उठान के आसी करी भल से सीखी करी जाऊँ किंबा कौन सी भल इंस्टिट्यूट रे जाकर निजे सीखवार कथा आउ कस्टमर मोबाइल सागे कौन सी प्रकार छेड़खानी नहीं करवार कथा आउ मुई से लगी मुई देख 5-7 बरस है मोबाइल दुकान खुली तार मुझे देखनी जे मते भी अपग्रेड हबार अच्छे तार मैंने विथ टाइम सागे मतलब चेंज हबार अच्छे से लगे मुझे आसिक शिखुचे आ मुई कह निजे भी स्टूडेंट सार को निजे भी स्टूडेंट रखी करके शिखी पारे निश्चित भाव आप मुझे सहयोग करमी और आइए यहाँ शिखिए बहुत बढ़िया इंस्टिट्यूट। फिर मैंने 28 नवंबर का बैच जो चल रहा है उसमें हार्डवेयर का जो हुआ था बहुत ही बढ़िया, बहुत समझ में आ गया। कंपोनेंट के बारे में इतना बारीकी से पता है कि वही चीज़ है, पहला चीज़ है, पहला क्लास था भी और इतना लंबा चला लेकिन समझ में आ गया क्या फंडा है, वोल्टेज का क्या फंडा है, सब कुछ समझ में आ गया अच्छी तरह। यहाँ समझ एक महीने में नहीं सर, मतलब लोग बोलते ना 15 दिन में, वो तो खैर ठीक है 15 दिन में ही समझ में आ गया तुमको। कि लोग बोलते हैं 1 महीने में क्या सीखोगे, तुम बताओ क्या सीख रहे हैं, बहुत कुछ था ठीक है ना। हमारे जो पुराने स्टूडेंट आए थे यहाँ पर जो कहीं और भी गए हुए हैं है ना, उन्होंने भी हमें अपडेट दिया था 2-3 महीने वीडियो देख कर यहाँ आया था कि कुछ है वहाँ पर, मतलब कि ऐसा मैं भी जानता था मेरा नॉलेज के ऊपर है यहाँ सिखाते हैं। और भाइयों को रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ आए जरूर सीखे और सीख कर ही खोले दुकान, और जो भी नहीं सीखे हैं मतलब कि और दुकान खोले हैं उनको बोलूँगा कुछ सीखिए और उसके बाद नॉलेज लीजिए और मोबाइल को छेड़खानी मत कीजिए किसी कस्टमर का, बढ़िया से कीजिए काम और प्रॉफिट भी लीजिए, अभी पैसा है मोबाइल में बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो काम कर चल रहा है सामने ये आपको नॉलेज तो है ना यहाँ पर, बताइए भाई। ये हमारा प्लस हो गया है, हम देखते हैं हमारा रिबूट भी हो चुका है। देखिए हमारा, देखिए हमारा यहाँ पे फ्लैश हो चुका है, ऑपरेशन फिनिश आ चुका है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये फ्लैश हुआ कि नहीं हुआ, क्या हमें इसमें आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ऐसे करें। हम इसमें देखेंगे कि EMI हमारा है या नल हो गया, मतलब वो आपको सही फाइल की जानकारी होनी चाहिए। रॉ प्रोग्राम में ऐसा नहीं है कि कोई सी भी रॉ प्रोग्राम की फाइल पकड़ाना है, ये वीडियो का यही उद्देश्य है कि आपको सिर्फ एक बताना कि आप गलती भी कर सकते हैं इसमें, मतलब आपको फाइलों की सही जानकारी मिलती है इंस्टीट्यूट में, सही जानकारी एकदम जरूरी है। हाँ आप सोचेंगे सब हमको यूट्यूब दे देगा, नहीं दे देगा। हाँ यूट्यूब से हमें जानकारी मिलती है पर उसके लिए हमें वो बेसिक नॉलेज और वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए, सब क्लियर होना चाहिए। जैसे अब वो यूट्यूब में कोई ड्राइवर नहीं बताता कि कितने ड्राइवर आपने देखे, ये 9008 नहीं आया तो वो भी बताया था कि उसको अपडेट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, हमारा पोर्ट अगर नहीं बन रहा तो उसको कैसे करेंगे, कॉम को अगर कॉम यूज हो रहा है तो कॉम भी कैसे चेंज करना है, चेंज कैसे करेंगे, वो सब हमको इंस्टीट्यूट से ही मिलता है। बिल्कुल, खास तो मेरे लिए तो मैं तो कहूंगा एशिया टेलीकॉम से ही मिलता है, मेरे लिए तो एशिया बेस्ट है। जय यादव यही से तो नहीं है ना तुम लोग में से कोई, जय यादव भाई लव यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर ये हमारा फोन बीबी ने तो कहीं नहीं आज तक। हाँ मतलब कोई नहीं है मतलब। मतलब दोस्तों मैं तो सिंगल हूँ।
यहाँ पे हमारा देखिए एफआरपी पे नहीं गया फोन, क्योंकि हमने जीमेल ऐड नहीं किया था इसमें। ठीक है, तो देखिए फोन ऑन हो गया है। मेन चीज हमारा IMEI करना है। अगर आपने मेरा अच्छे से वीडियो देखा होगा तो मैंने पिछले एक वीडियो में ये भी बताया था कि कैसे इनवैलिड किया था मैंने। ये देखो यहाँ पे हमारा IMEI है। तो यही चीज हमारा कंसेप्ट था बताने का। जी, यही हमारा कंसेप्ट था बताने का कि IMEI है, कि लोग क्यों IMEI इनवैलिड कर देते हैं, कारण क्या होता है इनवैलिड करने का, और फिर उसको ओपन। अच्छा, ये IMEI इनवैलिड भी हो जाएगा तो बन जाएगा? जी, ये भी बताया था ना, कौन सा मोड ओपन करना पड़ेगा? जी, कौन सा मोड? डायग्नोस्टिक मोड। और डायग्नोस्टिक मोड में सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा बोलो? सबसे पहला स्टेप ADB ऑन करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए चैनल के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपने चैनल से कुछ भी सीखा है। और अगर आपको पढ़ना है तो नीचे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं उठाया जा रहा है तो आप इस नंबर पे SMS कर सकते हैं। और 4 TB की फाइल अगर आपको चाहिए तो एक नंबर में आपको अगले वीडियो में एक बनाऊंगा, उसमें नंबर में आप दीजिएगा, आप उसमें WhatsApp कीजिए अपना नाम और लिखिए कि सर आपको 4 TB की फाइल चाहिए, हम आपको 4 TB की फ्लैश फाइल दे देंगे मात्र 2500 रुपये में। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहे चैनल से इसी तरीके से। ओके बाय। तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। सो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? तो बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे। अलग लेवल में बैठे रहते हैं कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्री है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएगा, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओगे। सर जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, बहुत अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, 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 ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चे लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक। वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर PCB जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात, पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिराकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था, जो तरक्की बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए टेक्नीशियन लोग, तो उनको नए रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए हुए जो 2-3 स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे। अच्छा देते थे तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है?
पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी नेक्स्ट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने 7 महीने नहीं सिखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर रहे मतलब हम बोल रहे सभी हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल उड़ रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं। मतलब सभी भी बोलते हाँ हमें बोलना है कहेंगे तो ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं हमें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे बोलेंगे, मतलब हमें ऐसा फील हुआ, हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा सुना जाए, तो मैंने फिर यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, हाँ तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं समझ कि इसके अंदर, हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, जो कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं अच्छा, मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? Monsoon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.